हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने होंडा एक्टिवा का रियर ब्रेक केबल कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज़ आपका ब्रेक केबल टूट गया है या फिर ऑपरेट करने में फ्री नहीं है क्योंकि वो अंदर वियर हो चुका है, तो आप उसे खुद से चेंज कर सकते हैं। ओके, बहुत ईजी प्रोसेस है और विद इन 15 मिनट्स में आप इसे आराम से कर सकते हैं और कोई लेंदी चीज नहीं है। मेरे इस एक्टिवा में ये एक्चुअली बहुत दिन से इसी तरह बाहर पड़ा हुआ था, तो पूरा रेन वाटर ये सब के कारण पूरा ये डैमेज हुआ है। तो इसका जो ब्रेक केबल है उसके अंदर रस्टिंग होने के कारण ये पूरा जाम हो गया है, ये ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में उसमें मैंने इसका फ्रंट केबल चेंज किया था, तो अगर आपका फ्रंट केबल टूटा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। किसी किसी में ये जो बोल्ट है, जैसे कि आप सुपरजीत ये सब का लेंगे तो ये वाला बोल्ट आता है, और अगर होंडा में कभी कभी फ्रंट वाले में नहीं था तो कभी कभी उसमें आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ये आपका निकल गया इस तरह से। ओके, अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ से निकाल लीजिए। ओके, ये बाहर आ जाएगा आपका। ओके, केबल बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ऊपर जाना है हमें। ओके, आपको क्या करना है कि ये जो फ्रंट हेडलाइट वाइज़र है उसे ओपन करना है, और उसके अलावा और कुछ भी ओपन नहीं करना है। ये जो बॉडी और ये सब मैंने जो ओपन किया है, एक्चुअली इसका बॉडी रस्टेड हो गया था तो इसलिए मुझे हटाना पड़ा इसे। आपको वो सब कुछ भी ओपन नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट हेडलाइट वाइज़र और कुछ भी नहीं। ओके, पीछे में कुछ स्क्रूज रहते हैं 5-6, बस उसे ओपन करना है, आपका हेडलाइट वाइज़र बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसे ब्रेक लीवर को ओपन करेंगे, उसके बाद ये जो आपका स्क्रू है इसे आप ओपन कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपका लीवर बाहर आ जाएगा। ओके, ये आपका स्क्रू बाहर आया और इसका आपका लीवर बाहर आ गया। ओके, अब ये जो आपका ब्रेक केबल है ओल्ड, उसे यहाँ से आप रिमूव कर लीजिए। ओके, ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। ओके, आपका केबल और लीवर अलग हो गया, ये आपका ओल्ड केबल है। ओके, इसे साइड कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो आपका जो न्यू केबल है उसका लोअर एंड, ओके, यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। ओके, इस तरह से अच्छे से अटैच कर लेंगे ताकि जब इसे हम इंसर्ट करें और पुल करें तो ये बाहर नहीं आए। ओके, अच्छे से एकदम इसे आप लपेट दीजिए। ओके, और ये जो इंड है इसका, ये अच्छे से आप इसे क्लोज कर लीजिए ताकि ये कहीं पे जाके स्ट्रक नहीं करे। ओके, इस तरह से आप इसे अच्छे से आप दोनों को एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है कि हम लोग इसे क्या करेंगे, ऊपर से आप इसको इंसर्ट कीजिए और जो लोअर इंड है जो व्हील के पास है उसे आप पुल कीजिए, आप इंसर्ट कीजिए। ओके, और यहाँ से इसको आप धीरे धीरे पुल कीजिए। ओके, देखिए जैसे कैसे आ रही है। ओके, अगर आप दो आदमी हैं तो बहुत अच्छा है, आप एक ऊपर से बोलिए इंसर्ट करने के लिए और एक को बोलिए पुल करने के लिए। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो खुद से भी कर सकते हैं इसे, ऊपर से इंसर्ट कीजिए बारी बारी से, इस तरह से पुल कीजिए, धीरे धीरे आते जाएगा। और कहीं अगर ये स्ट्रक कर जाए तो हल्के हल्के आप इस तरह से कीजिएगा तो ये फ्री हो जाएगा, आएगा इस तरह से। देखिए ये आ गया आपका न्यू केबल यहाँ तक। ओके, तो इसमें आपने देखा कि कितना इजीली ये आ जाता है, आपको कोई बॉडी वॉडी ओपन करने का ज़रूरत नहीं है।
आप इजीली इस तरह से इसको दोनों अटैच करके आप इसको ला सकते हैं। और कोई कोई मैकेनिक को मैं देखता हूँ कि वो पूरा बॉडी ओपन करता है, जो जो 5 मिनट का काम है उसके लिए वो 2 घंटा लगाता है, तो ये अननेसेसरी है। ओके, और इसके बाद जब ये आ जाए तो इसे आप हटा लीजिए, आपका न्यू केबल आ गया, ये ओल्ड को आप हटा लिए इस तरह से। ओके, ये आपका हट गया और आपका न्यू केबल यहाँ तक आ गया। ओके, इसको यहीं पे रहने दीजिए, अब हम चलते हैं ऊपर। हैंड लीवर, इसमें थोड़ा सा ग्रीस आप लगा लीजिए क्लीन करके इसके। ओके, यहाँ भी लगा लीजिए इसे, इसमें इंसर्ट करके। ओके, ये जो होल रहता है यहाँ पे, स्लॉट बना रहता है, उसमें जाएगा ये वाला इस तरह से। ओके, और ये आपका यहाँ पे लग जाएगा। ओके, ये आ गया आपका इस तरह से, ये रबर यहाँ रहेगा। ओके, इसको यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, और आपका ये जो बोल्ट था हैंड लीवर के लिए, उससे आप यहाँ पे इनसे इंसर्ट कर लीजिए यहाँ पे जैसे था। और ये नट नीचे से। ओके, नीचे वाला भी टाइट हो गया, नीचे वाला एक्चुअली लॉक नट होता है। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया, अब चलिए नीचे चलते हैं। ये जो हमारा न्यू वाला है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। ओके, आराम से, ओके, और यहाँ पे क्लैंप है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, और एक यहाँ पे क्लैंप रहता है यहाँ पे और यहाँ पे। ये न्यू वाला इंसर्ट कर देंगे हम। ओके, और इस तरह से आप डाल दीजिए इसे। और इसे आप टाइट कर दीजिए। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि कैसे ब्रेक एडजस्ट करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। ओके, अब इसे हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कितना इजी है रियर ब्रेक केबल चेंज करना, और ये प्रोसेस सेम है प्लेजर के लिए, होंडा डियो के लिए, मैस्ट्रो के लिए, और भी जितना भी स्कूटी होता है वो सेम होता है, इसी टाइप का रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये कर लिए तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस होता है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आपके ब्रेक केबल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से उसे चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं इस तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनके पास भी एक्टिवा है इस तरह का स्कूटी है तो उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।